आइए दोस्तों, अब उस शख्सियत पूछा जाए जिसकी तकरीर, जिसका चर्चा, जिसका शोहरा, जिसकी गुफ्तगू आम और खास की कमान में होती है, तो लीजिए एक शानदार, जानदार, पुरबहार, बर्फबार, शोलाबार, धुआंधार, अरे बोलो ना मेरे यार, एक बार मचल के कह दीजिए पूरा मजमा सुभान अल्लाह। एक बलबला अंगेज, धमाका खेज, फिक्र अंगेज, हैरत अंगेज, नसीहत आमेज तकरीर करवाने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद महारत तामा रखने वाला एक मुनफरिद लबो लहजा का मुकर्रर जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब कासमी, मदरिस मदरसा इस्लामिया इमदादुल उलूम महवी से मैं मुअत्तबाना दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत माइक पर आए और अपने खिताबे नायाब से हम तमाम सामाइन को महसूस करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن محمدا عبده ورسوله, وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, وأنتم الأعلون إن كنتم صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع ويسمع لك كما قال عليه الصلاة والتسليم, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز بزرگوں اور دوستو, میرے ہم نشین بچے, اسلامی اخلاق کی محترمہ ماں اور بہنیں, رونق اسٹیج, استاد الاساتذہ حضرت العلام مولانا وسیع اختر صاحب مدظ اللہ العالی, وبالخصوص حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب اور ماسٹر اشرف علی صاحب اور ناظم اجلاس مولانا نعمت اللہ رحمانی صاحب, آپ سب کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے سارے مجمع کے حوالے پہلے ایک شعر کرتا ہوں اور سب سے درخواست کرتا ہوں کہ خدارا آپ مجلس میں بیٹھ جائیں گے, نیت صاف رکھیں گے, انشاءاللہ بارش رک جائے گی. اگر نیت صاف نہیں ہوگی تو اللہ سے دعا مانگیں گے, اللہ دعا قبول نہیں کرے گا. ایک شعر سماعت کیجئے گا سب سے پہلے, کورے کاغذ, سادہ کاغذ,
हाथ में रखिए, एक पैगाम दे रहा हूँ। कोशिश कीजिए कि आप भी लिख लीजिए जिस तरह मैं लिखता हूँ। कोरे कागज पे खून जिगर से, मेरा नंबर आए तो चले गए, ये सब अकेला ही छोड़ देते हैं जहां जाता हूं। अभी उड़ीसा में हम लोग साथ हैं, उड़ीसा में भी जब मैं बैठा तो ये चल चल देखिए, यहाँ भी साथ छोड़ दिए। अच्छा आप साथ देंगे ना, पूरा मन में हाथ उठा के बताइए माशाल्लाह। नाज़िम इजलास को छोड़ देता हूँ, तब आप साथ देंगे ना। कोरे कागज़ पे खून जिगर से, ये न पूछो कि क्या लिख दिया है माशाल्लाह। कोरे कागज़ पे खून जिगर से, ये न पूछो कि क्या लिख दिया है। कोरे कागज़ पे खून जिगर से, ये न पूछो कि क्या लिख दिया है। नाम खैर वाला लिख दिया है, जिक्र शम्स ज़ुहा माशाल्लाह। नाम खैर वरा लिख दिया है, जिक्र शम्स ज़ुहा लिख दिया है। और एक बहुत प्यारा शेर ज़हन में आया, ऐसा पूर्वा हवा को कहते हैं, ज़हन में रखिए। उस पूर्वा हवा से मैंने कहा है, ऐसा तुम मदीने को जाना, हाल दिल मुस्तफा से सुनाना। ऐसा तुम मदीने को जाना, हाल दिल मुस्तफा से सुनाना। ऐसा तुम मदीने को जाना, हाल दिल मुस्तफा से सुनाना। और कहना कहना कहना, और कहना कि तेरा दीवाना, बस तेरा आसरा लिख दिया माशाल्लाह माशाल्लाह। और कहना कि तेरा दीवाना, बस तेरा आसरा लिख दिया है। शेर बहुत प्यारा ज़हन में आया कि खौफ महशर महशर कहो मुझको क्यों कर, जब कि नस्बत नबी से पैकर। खौफ महशर कहो मुझको क्यों कर, जब कि नस्बत नबी से पैकर। ओ खौफ महशर कहो मुझको क्यों कर, जब कि नस्बत नबी से पैकर। वह छुपाए वह छुपाएंगे कमेली में अपनी, इरशाद इरशाद। छुपाएंगे कमेली में अपनी, मैंने अपनी खता लिख दिया है। वह छुपाएंगे कमेली में अपनी, मैंने अपनी खता लिख दिया है। मैंने अपनी खता लिख दिया है। अल्लाह करे मेरी तुर्बत वहां बन जाए। पूरा मजमा एक बार मुझे मेरे लिए आमीन बोल दीजिए। मैं चाहता हूँ मेरी कब्र भी अल्लाह मदीना में रख दे। अल्लाह करे मेरी तुर्बत वहां बन जाए, अल्लाह करे मेरी तुर्बत वहां बन जाए। मिलता है
मिलता है बहुत दिल को आराम मदीने सदर आलम के दिल की बेचैन सदर आलम के दिल की बेचैन बड़ी यारब सदर आलम के दिल की बेचैन बड़ी यारब सदर आलम के दिल की बेचैन बड़ी यारब जब जाते हैं जब जाते हैं हज को हाजी हर साल मदीने में जब जाते हैं हज को हाजी हर साल मदीने में जब जाते हैं हज को हाजी हर साल मदीने में मिलता है बहुत दिल को आराम मदीने में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं आपसे कहा था कि नियत साफ रखिए, इंशाल्लाह बारिश बंद हो जाएगी। बंद हुई कि नहीं हुई? जी जी बिल्कुल हो गई। बोलो हाथ उठाकर बंद हुई कि नहीं हुई? और दुआ में शरीक हो जाओ, इंशाल्लाह मुकम्मल जलसा होगा। इसलिए कि जात उसकी है, निजाम उसका है, मुकद्दर वो बनाता है, फैसला वो करता है, रोजी का जामिन वो है, तरबियत वो देता है, सोच हमारी है और मुकद्दर का फैसला ये अल्लाह। बेशक मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज इंसान अपनी सोच से चलता है, इंसान अपनी सोच से खेती करता है, इंसान अपने दिमाग से गाड़ी खरीदता है, इंसान अपने दिमाग से अपने घराने को सजाने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह अपनी तरबियत से दुनिया बनाया है और अपनी निजाम से दुनिया को चला रहा है। हमारे चलाने से न दुनिया चली है न दुनिया चलेगी, हमारे बनाने से न दुनिया बनी है न दुनिया बनेगी। बनाने वाली जात सिर्फ अल्लाह का है, बनाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। बनाता वही है, बिगाड़ता वही है, जलाता वही है, जिलाता वही है, सिखाता वही है, जलाता वही है, मारता वही है, मकद्दर का फैसला भी अल्लाह करता है। सदर आलम इस पर एक नक्शा खींचा है कि बाप और बेटा पहले आए फिर तो पोता आता है, बाप और बेटा पहले आए फिर तो पोता आता है। ऐसा ही निजाम है ना जी, उधर से देखते रहिए फिर इधर से दोहराऊंगा तो पता चल जाएगा। जी जी, बाप और बेटा पहले आए फिर तो पोता आता है, आने की तरतीब है लेकिन अरे जाने की तरतीब नहीं, आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। सुभान फिर भी मेरे दोस्तों, जमीन पर अकड़ अकड़ कर चलते हो, गाड़ी घोड़े पर दबा दबा कर बैठते हो, ये समझ में नहीं आता निजामे इलाही से दुनिया चल रहा है, ये दुनिया चल रही है। जब अल्लाह अपना निजाम से हटा देगा सारा निजाम इधर का उधर हो जाएगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए तैयारी करने की जरूरत है। हम खाली आए हैं खाली जाएंगे। आज अल्लाह ताला ने हमें माँ के शिकम से निकाला तो हमारे पास हमारे हाथ में कुछ नहीं था, और जब अपने पास बुलाता है उस वक्त भी अल्लाह ताला खाली बुलाता है। फिर भी दुनिया वाले अकड़ रहे हो, आज मदारिस खुल रहे हैं, आज
आज मकातिब खुल रहे हैं, लेकिन सात बिरादरी इस तरह से छा गई, वो मेरी बिरादरी का मदरसा नहीं, वो मेरी बड़ा मोहल्ले की मस्जिद रही, वो मेरे मोहल्ले का मकतब रही, ये कहां से समा गया। मदरसा तो एक ही है, जहां अल्लाह और उसके रसूल की तालीम होती है, वहां शेख बिरादरी का मसला नहीं है, वहां शाह बिरादरी का मसला नहीं है, वहां मंसूरियों का मोहल्ला नहीं है, वहां किसी बिरादरी से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह कहता है तुम्हारे आमाल की चेकअप होगी, तुम्हारी बिरादरी की नहीं। चेकअप इंसान के आमाल की होती है। अल्लाह जब थर्मामीटर लगाएगा तो समझ में आ जाएगा कि हम जात बिरादरी क्यों तलाश रहे हैं और अपनी जिंदगी को पामाल और परेशान क्यों कर रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों जरा गौर से सुनो, दुआ करो, मदारिस खुलते जाएंगे, हमारे बच्चे की किस्मत बेशक। लेकिन अगर हमने मदारिस पर आवाज उठाई, मकातिब पर आवाज उठाई, हम दरहम बरहम हो जाएंगे। इसलिए कि मकातिब को तोड़ने की पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, मदारिस को तोड़ने की पूरी दुनिया कोशिश कर रही है। और जब अल्लाह और उसके रसूल के मानने ही वाले तोड़ने पर लग जाए तो दुनिया क्यों नहीं तोड़ेगी। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों तैयारी करो, जब अल्लाह के रसूल सामने हाजिर होगी तो हमारी हाजिरी सर ऊंचा होकर हो, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फख्र महसूस करें कि ये मेरी उम्मती है जो मेरे आमाल और मेरी शरीयत को लेकर के यहाँ पर आई है। कि पेशे ना भी हो के लिए अरमान कहाँ से लाओगे, पेशे ना भी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे। असूरत है गैरों जैसी पहचान कहाँ से लाओगे, सूरत है गैरों जैसी पहचान कहाँ से लाओगे। हमारी शक्ल नबी की शक्ल से नहीं मिलती, हमारी सूरत नबी की सूरत से नहीं मिलती, हमारा कल्चर नबी के कल्चर से नहीं मिलता, हमारा समाज नबी के समाज से नहीं मिलता। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम गाड़ी में आगे जा रहे हैं, हम बिल्डिंगों में आगे जा रहे हैं, हम मोहल्लात में आगे जा रहे हैं, बिजनेस में आगे जा रहे हैं, तिजारत में आगे जा रहे हैं, लेकिन कभी गौर किया आमाल में आगे हैं या नहीं, कुरान पढ़ने में आगे हैं या नहीं, रसूल की तालीम पाने के लिए आगे हैं या नहीं, अल्लाह के अहकामात को बजा लाने में आगे हैं नहीं। आज तो मसाजिद पर मसाजिद है, नमाजी गायब नजर आ रहे हैं। आज मुअज्जिन बार बार कहता है अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है सबसे बड़ा है, पांच बार आती है। अब फजर में आवाज आती है अल्लाह सबसे बड़ा है, जोहर में आवाज आती है अल्लाह सबसे बड़ा है, असर में आवाज आती है सबसे बड़ा अल्लाह है, मगरिब में आवाज आती है अल्लाह सबसे बड़ा है, ऐशा में आवाज आती है अल्लाह सबसे बड़ा है। हैया अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, हैया अल फलाह, आजा कामयाबी की तरफ, आजा कामयाबी की तरफ। पांच बार किसी चीज के बारे में ऐलान हो और फिर भी समझ में नहीं आया कि ये मुअज्जिन क्या चिल्लाता है, ये मुअज्जिन क्या कहता है, ये अगर पता नहीं चलता है तो समझो मेरे दोस्तों ये हमारे ईमान की कमजोरी है, जिसको हम सोचे नहीं समझे नहीं, मुअज्जिन की बात पर अमल नहीं किए। मुअज्जिन बार बार कहता है और वो अल्लाह कहलवाता है, बुला लो, ऐलान करके बुला लो, आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ, पांच पांच बार ऐलान होता है, फिर भी आज मस्जिद वीरान पड़ी है। भागो कितना भाग रहे हो, जाओ दूर कितना दूर होना चाहते हो, लेकिन याद रखना कि दूर हुए जाते हो तुम आज नमाजों रोजे से, दूर हुए जाते हो तुम आज नमाजों रोजे से, ये तो
तो बताओ, ये तो बताओ, ये तो बताओ, ये तो बताओ, ये तो बताओ, बख्शिश का सामान कहाँ से लाओगे, ये तो बताओ, बख्शिश का सामान कहाँ से लाओगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, घबराओ नहीं, पांच वक्त अल्लाह पुकार रहा है और पांच बार में ईमान अगर ताजा नहीं हुआ तो समझो अल्लाह की तरफ से हिदायत नहीं है। हिदायत मांगना हमारा काम है और हिदायत का देना अल्लाह मांगो तो सही। वो तहज्जुद में कहता है मांगो, वो फजर की नमाज में कहता है मांगो। मेरे दोस्तों हमें एहसास नहीं है, अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे तमाम के तमाम सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, उसमें से एक सहाबी हर दिन नमाज पढ़ते हैं फजर की, लेकिन दुआ आपके साथ नहीं मांगते, फौरन निकल कर चले जाते हैं। सहाबा में से एक सहाबी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, एक सहाबी आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, सलाम आपके करते हैं, मगर दुआ आपके साथ नहीं मांगते। रसूलुल्लाह ने कहा, ठीक है, कल याद करा देना। कल फजर की नमाज जब हुई, सलाम अल्लाह के नबी ने फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये सहाबी धीरे धीरे निकल कर जाने लगे। एक सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह, वो जा रहे हैं। अच्छा, बुलाओ उसको। अब वो आए, क्या बात है अल्लाह के रसूल, अरे हर दिन नमाज मेरे साथ पढ़ते हो, सलाम मेरे साथ करते हो, लेकिन दुआ क्यों नहीं मांगते, उठ कर चले जाते हो। वो सहाबी रसूल की बात सुनो मेरे दोस्तों, वो सहाबी कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं बताऊं तो क्या बताऊं, मैं कहूं तो क्या कहूं, अल्लाह के रसूल, कोई तबीयत नहीं चाहती है कि रसूलुल्लाह से हटकर अलग जिंदगी गुजारो, तबीयत नहीं चाहती है कि सलाम आपके साथ करूं और दुआ आपके बिना मैं रह जाऊं, ये तबीयत नहीं करती। लेकिन ये मेरे अल्लाह के रसूल, आज जिस चादर में सहाबी को देखते हैं, मेरे घर में एक ही चादर है जिसको मैं पहनकर फजर पढ़ता हूँ। मेरी बीवी घर में मेरी चादर का इंतजार करती है, जब मैं देर करता हूँ मेरी बीवी की नमाज छूट जाती है, इसलिए जल्दी से नमाज पढ़कर भागता हूँ, ये चादर उतार कर बीवी को देता हूँ, यही चादर मैं फजर की नमाज पढ़ता हूँ और इसी चादर को मेरी बीवी पहनकर फजर की नमाज अदा करती है। अगर मैं दुआ आपके साथ मांगता, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी की नमाज कजा हो जाती, इसलिए सलाम आपके साथ करता हूँ, मगर दुआ आपके साथ नहीं मांगता। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, स्टैंडर्ड हम बनकर जा रहे हैं, ससुराल जाने का अलग कपड़ा है, बाजार जाने का अलग कपड़ा है, हर काम स्टैंडर्ड में बदल गया, दस्तरखान स्टैंडर्ड, हमारा खाना पीना स्टैंडर्ड, हमारा कपड़ा स्टैंडर्ड, हमारा लिबास स्टैंडर्ड, हमारी गाड़ी घोड़े स्टैंडर्ड, हमारा रहना सहना स्टैंडर्ड। लेकिन क्या हमने देखा, अल्लाह वाला काम स्टैंडर्ड है या नहीं, नबियों वाला काम स्टैंडर्ड है या नहीं? अगर हमारा काम स्टैंडर्ड है तो नबी का काम भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, अगर हम स्टैंडर्ड हैं तो नबी पाक की सीरत भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, अगर नहीं है तो जीना मुश्किल है मेरे दोस्तों, इसलिए कि अल्लाह की रस्सी को हमने छोड़ दिया और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का काम हमने हटा दिया। इसलिए आज जिस चीज की जरूरत है, खूब ध्यान से सुनना, अल्लाह ताला से हिदायत मांगो, हिदायत मांगना हमारा काम होगा और हिदायत देना अल्लाह का काम होगा। लेकिन अगर हमने नहीं समझा, अगर हमने कोशिश नहीं की, तो मेरे दोस्तों इसका तो खमियाजा हमें भुगतना है। आज अफसोस का मकाम है, पढ़ाने वाला मौलवी आप तलाशते हैं 6,000 का, आप इमामत करने वाले इमाम को आप तलाशते हैं 7,000 का, 7,000 रुपया आप इमामत में दे रहे हैं, 8,000 रुपया आप इमामत में दे रहे हैं, एक मदरिस को मदरसा में रहकर 8,000 रुपया आप दे रहे हैं, आपको क्या फख्र महसूस हो रहा है कि हम 8,000 रुपया इनको दे रहे हैं, हम 10,000 रुपया दे रहे हैं? आपको मालूम नहीं है कि ये उलमा नबियों के वारिस हैं, इन पर जितना खर्च करोगे तुम्हारी किस्मत का ताला खुलता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऐसा मत करना, 8,000 देते हो और पूरा
कारवां में शोर मचाते हो कि मैं 8000 रुपया देता हूँ। मेरे इमाम साहब 8000 रुपया पाते हैं। ये उलमा बैठे हुए हैं, इनको मालूम है इतना क्यों खींच कर बोलते हो 8000 9000। ऐसा लगता है मध्य मुत्तसिल फेल हो जाएगा। ये उलमा पढ़ाते हैं, इनको मालूम है इतना ना खींचो, बल्कि ये समझो कि हम जो दे दिए वो अपना है, हम जो दे दिए वो अपना है और जो हम जमा कर लिए वो अपना नहीं है। इसलिए कि जब मर जाने के बाद दफन हो जाता है इंसान, तो अब औलाद काम नहीं करती है। आज एहसास किसके दुनिया के रस्म रिवाज को पता चल जाएगा। मैं एक साहब के पास रमजान में गया और मैंने कहा आपके बड़े भाई दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहा कि वो तो अल्लाह के प्यारे हो गए मौलाना। मैं कहा अल्लाह अकबर, बहुत अच्छे आदमी थे। जैसे दो तीन जुमला में तारीफात के दिया कि बहुत अच्छे थे, बहुत दयालु थे, वैसा आदमी जल्दी मिलेगा नहीं। जानते हैं उसने क्या, छोड़ो मौलाना, वो मर गया, उसकी बात खत्म करो। मर गया, चला गया, उसकी बात खत्म करो। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि ये फैक्ट्री में ये जिस गद्दी पर बैठा है ये उसी भाई का दिया हुआ तोहफा है, जिस हवेली में बैठा है उस भाई का दिया हुआ तोहफा है, और मरते ही सब कुछ उसने खत्म कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, ये मदारिस अगर कायम रहेंगे, आपका बच्चा कालाला काला रसूल पढ़ता रहेगा और कहेगा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए पाक परवरदिगार, मेरी माँ कब्र में लेटी है, ए अल्लाह, इसकी गोद से मैंने बिस्मिल्लाह सीखा है, इसकी गोद से मैंने औज़ु बिल्लाह पढ़ना सीखा है। ए अल्लाह, मेरी माँ ही तो थी जो सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ाई, आज कब्र में लेटी है, ए अल्लाह को इस आयत करीमा के सदके बख्श दे। ये पढ़ता जाएगा, अल्लाह कब्र में नूर बरसाता जाएगा, वहाँ काम नहीं आएगा। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो ना, पैसा हो गया है ज्यादा, वहाँ ये काम नहीं आएगा। जब कहा जाएगा इंजीनियर साहब, माँ को तो लेटा दिया, पढ़ो, अब वो शर्माते हुए क्या पढ़ेगा, नियत बांध कर खड़ा है, जानता नहीं है, मदरसा का चेहरा देखा नहीं, मकतब में कभी गया नहीं, मौलाना से ताल्लुक किया नहीं, अब लाजे शर्मे अब खड़ा होकर कहे, ए अल्लाह से होता, ये कौन सी जबान पढ़ रहे हो, माँ मर गई, कब्र में दफन है, लैंग्वेज चेंज हो गया, अब यहाँ अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, यहाँ अरबी चलेगी, अरबी चलेगी। चाहे आप नेपाली भाषा में बोल रहे हैं तो क्या, फ्रांस की आवाज में बोल रहे हैं तो क्या, भोजपुरी में बोलते हैं तो क्या, लेकिन मरने के बाद अरबी बोलना सीख जाएंगे। क्यों? जैसे जैसे अमाल होंगे, अरबी अल्लाह ताला डाल देगा, अमाल सही नहीं होंगे तो अरबी भी नहीं निकलेगी जबान से। इसलिए बच्चे को पढ़ाया जाता है कि मैं जब चली जाऊंगी मैं चला जाऊंगा, बाप मर जाएगा, माँ मर जाएगी, तो ये बच्चा कुरान पढ़ पढ़ कर बख्शवाता रहेगा, कुरान पढ़ पढ़ कर अल्लाह की से मगफरत की दुआ मांगता रहेगा। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह यहाँ भी खुश रखेगा और वहाँ भी खुश रखेगा। इसलिए दुआ करो कि अपनी औलाद में से कोई औलाद जरूर कुरान पढ़े और हाफिज़े कुरान बने, ताकि ये मदरसा का पढ़ा हुआ बच्चा अपनी माँ और अपने बाप की मगफरत करने के लिए काफी हो, वरना आज का हाल तो ये है। क्या बताएं, एक इमाम साहब गए चौधरी के पास, जाकर कहे चौधरी जी, भाई आप आपके पास 10-10 आदमी बैठे रहते हैं, अगर आप नमाज पढ़ते तो आपके तुफैल में ये 10 आदमी भी पढ़ने जाते। जाहिर सी बात है, जब कोई प्रधान हो, मुखिया हो, गांव का चौधरी हो, अगर वो नमाजी है और उसके आसपास सब लोग बैठे हैं, जैसे आजान होगी तो क्या कहेगा, चलो भाई आजान हो गई, नमाज की तैयारी करो, नमाज की तैयारी करो, तो अपने साथ 10 लेकर जाए। अब ये इमाम साहब पहुंचे चौधरी के पास, कहे कि बहुत अच्छे आदमी हैं, ऐसा क्यों नहीं करते कि आप भी नमाज पढ़ते और ये सबसे सब नमाज पढ़ते। कहा कि फायदा क्या है, इमाम साहब को समझ में आ गया कि जब तक फायदा नहीं दिखाऊंगा ये नमाज नहीं पढ़ेगा। तो इमाम साहब ने कहा कि फायदा ये है कि आपको सिर्फ 40 दिन नमाज पढ़ना,
40 दिन के बाद 41वें दिन नहीं कहूंगा, 40 दिन नमाज पढ़ लीजिए तो 10 किलो दूध देने वाली भैंस आपको मैं दूंगा। चौधरी बड़ा खुश हो गया कि यार ये तो बैठे बैठे 10 किलो दूध देने वाली अगर भैंस मिल जाए तो इससे खुशी क्या हो। अब नमाज स्टार्ट कर दिया, एक दिन पढ़ा, दो दिन पढ़ा, तीन दिन पढ़ा, पढ़ते पढ़ते जब 39वां दिन हुआ तो चौधरी ने कहा, ए इमाम साहब याद है ना? कहा क्या? 39वां दिन हो गया, याद करा रहा हूँ, कल 40 हो जाएगा। 10 किलो दूध देने वाली भैंस याद है ना? हाँ मुझको याद है। अब जब 40वां दिन हुआ, इमाम साहब को बुलाया गया, कहा इमाम साहब अब 10 किलो दूध देने वाली भैंस हाजिर कर दीजिए, मैं 40 दिन नमाज मुकम्मल पढ़ लिया हूँ। इमाम साहब का तो ऊपर से नीचे पसीना आने लगा। इमाम साहब ने कहा कि ए चौधरी, मैं तो इसलिए कहा था कि अगर तुम 40 दिन पढ़ लोगे तो चिल्ला का हक अदा कर, और जब चिल्ला लग जाएगा तो तुम ये कहोगे कि इमाम साहब आप जैसा तो कोई आदमी नहीं मिलेगा कि आप हमें हिदायत का रास्ता दिखाए और मैं नमाजी बन गया। कहा अच्छा, आप ये सोच करके हमें पढ़ाए थे? कहा हाँ, आप जब पढ़ लेंगे तो ये सारे लोग साथ साथ पढ़ेंगे, और आपको तो मालूम है खाना आप खिलाते हैं, कपड़ा आप देते हैं, ईद बकरीद में आप कपड़ा सिलवाते हैं, बीवी बच्चों का खर्चा आप देते हैं, मैं 10 किलो दूध देने वाली भैंस कहाँ से दूंगा? लेकिन इसलिए कहा था कि 40 दिन पढ़ लेंगे तो आपकी तरबियत लग जाएगी और आप बिल्कुल नमाजी बन जाएंगे। चौधरी ने कहा, मुझे मालूम था कि आप कहाँ से देंगे, खाना मैं देता हूँ, कपड़ा मैं देता हूँ, तनख्वाह मैं देता हूँ, ईदी मैं देता हूँ, ईद और बकरीद का खर्चा मैं देता हूँ। इसीलिए इमाम साहब याद रखिए, 40 दिन नमाज तो पढ़ा हूं मगर किसी नमाज में वजू नहीं किया। इतना आसान समझते हैं मुझको मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वही हाल हमारा है। करते तो जरूर है लेकिन उस करने का जो तरीका है उस तरीका को हम छोड़ देते हैं। आज अल्लाह ताला इतना बड़ा हमें तोहफा अता फरमाया कि आज अल्लाह उसके रसूल की बातों को हम खेल रहे हैं, सुन रहे हैं, और सुनने के बाद फिर अमल ना करें तो अल्लाह पकड़ेगा कि आज नरवा में बेलदार के अंदर जलसा हुआ, उलमा इकराम ने बातें बताई और सब कुछ सुनाया और फिर भी उसमें अमल का मौका नहीं मिला, तो मेरे दोस्तों ये हमारी पकड़ है। इसलिए इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह एक सबसे बड़ा पैगाम ये देता हूँ कि अल्लाह हुक्म देता है, मशवरा नहीं देता। अल्लाह मशवरा दे वाला है, हुक्म दे वाला है, बोलो बोलो। अल्लाह हुक्म देता है, मशवरा नहीं देता। और हुक्म का मतलब है करना है तो करना है, छोड़ना कबूल नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ कि आप आज की तारीख से अल्लाह का हुक्म मानिए और 5 वक्त की नमाज पढ़िए, इसके बिना कोई चारा नहीं है। आज अफसोस का मकाम है, सब कुछ करते हैं घर में है 10 बेनमाज़ी और दौड़ते दौड़ते आते हैं, ए हजरत मौलाना वसी अख्तर साहब दुआ कर दीजिए, हमारा घर बरकत से खाली हो चुकी है, हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारे घर में बहुत तूफान है, हमारे घर में बहुत आफत और मुसीबत है। मौलाना पकड़े कि आखिर मुसीबत क्यों खड़ी है, कहा कितने लोग नमाजी है, मौलाना इसी की तो बस कमी है, बाकी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मेहुदा सर से लेकर पांव तक गुनाह ही गुनाह कर रहे हो और कहते हो इसी की कमी है। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कभी कभी बहुत 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 शर्म आती है कभी कभी इंसान की हालत को देखकर। आज नमाजी भी कई किस्म के हो गए हैं, कुछ नमाजी तो है कि 8 दिन के बाद दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ जुमा पढ़ लेता है और समझता है जुमा से उस जुमा मिला लूंगा तो बिल्कुल मुंह में मुंह मिल जाएगा, काम निकल जाएगा। कुछ लोग हैं कि सिर्फ कहते हैं कि चलो समाज सोसाइटी की बात है इसलिए खाट वाली नमाज पढ़ो जनाजे की, उसमें सब किस्म के लोग आते हैं, ये तो कोई नहीं कहेगा कि फला आदमी जनाजा में नहीं था, उसमें जाकर शरीक होते हैं। और कुछ लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, पढ़ता है कौन?
360 दिन के बाद आता है ईद और बकरीद, उसी में जाता है और सोचता है कि मैं तो एक साल के बाद जा रहा हूँ तो अगली सफ में जाकर बैठूं ताकि खूब दिल भर करके नमाज पढ़ लूं। अब जैसे निकलता है इधर से उसकी बेटी नसीमा और इधर से उसकी बेटी सकीना, दोनों छोटी छोटी बच्ची हाथ पकड़ ली, पापा क्या बात है हम भी चलेंगे, ईदगाह में जा रहे हैं तो हम भी ईदगाह चलेंगे। अब छोटी छोटी बच्ची है तो चलोगे, अब जाहिर सी बात है उसकी रफ्तार से कछुआ की चाल में चलोगे। अब जैसे ईदगाह पहुंचा जब तक इमाम साहब ने कह दिया अल्लाहू अकबर, अब जल्दी से हाथ छोड़ा, अब सकीना ने भी हाथ छोड़ दिया, रहीमा ने भी हाथ छोड़ दिया और दौड़े दौड़े जैसे गया, अब हालात ऐसे आए कि इमाम साहब पढ़ करके रुकू में चले गए थे। अब ये भी गया नियत बांधा, तर से मारा, अगला जो रुकू कर रहा था उस पर थाई मार दिया। अब जब आगे वाले को मारा वो अगला को मार दिया, जाहिर सी बात है सबको खसकना पड़ा। अब आगे वाला फिर आगे को मार दिया, आगे वाला आगे को मार दिया, मारते मारते इमाम साहब जहां नमाज पढ़ा रहे थे उनको बिठाई ले गए। लेकिन बेचारे बर्दाश्त किए, देखे कि मैं इमाम हूँ, किसी तरह से उन्होंने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कहा रे बेवकूफ नमाज इसी तरह पढ़ी जाती है, कहा ये हुजूर ये तो पीछे से आ रहा है हमने कुछ नहीं किया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों आज की तारीख में भी हम सब कुछ पीछे की तरफ ले जाते हैं, ये नहीं देखते कि तालीम आगे बढ़ गई, तरक्की आगे की तरफ चली गई, साइंसदान आगे हो गया और 1400 साल पहले जो कुरान उतरा है वो कुरान सब कुछ बता रहा है और फिर भी हमें एहसास नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों एहसास करने की जरूरत है, अमाल बनाने की जरूरत है, कुरान पर चलने की जरूरत है, रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ाने की जरूरत है, नबी की चाल से अपनी चाल मिलाओ, नबी की सीरत से अपनी सीरत मिलाओ, नबी के चेहरे से अपना चेहरा मिलाओ, नबी का चेहरा जिसने देख लिया वो तो ईमान से मुशर्रफ हो गया। सदर आलम ने नक्शा खींचा कि चेहरा 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 नबी का देख कर, चेहरा नबी का देख कर कुर्बान हो गए, चेहरा नबी का देख कर, चेहरा नबी का देख कर कुर्बान हो गए, चेहरा नबी का देख कर कुर्बान हो गए, जो गुदे को पूजते थे मुसलमान हो गए, जो गुदे को पूजते थे मुसलमान हो गए। इसलिए बुजुर्गो आज नबी के दीदार के लिए लोग तरसते हैं लेकिन तरसने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के नबी का दामन पकड़ो, अल्लाह वाला काम करो, नबियों वाली जिंदगी गुजारो, ख्वाब में अल्लाह आ जाएगा, बैठोगे इंदरवा पहुंचोगे मदीना। कितना फायदा मिला, पता चला कि हम इंदरवा में सोए हैं अब मदीना का सफर कर रहे हैं, क्यों? इसलिए कि आपने नमाज पढ़ी है, तहज्जुद में अल्लाह से मांगा है अल्लाह हम नबी का दीदार करना चाहते हैं, अल्लाह ख्वाब में दीदार कराएगा और नबी का दीदार जब हो जाए वो गलत हो नहीं सकता क्योंकि नबी के चेहरे को शैतान कभी बना नहीं सकता। सुभान अल्लाह। तो अब एहसास कीजिए हम वैसी जिंदगी क्यों नहीं गुजारे कि नबी के चेहरे से चेहरा मिल जाए, कि सुनो ये सपने की है बात, सुनो ये सपने की है बात, कि तैबा पहुंचा था कल रात। पहले देखिएगा कि हम हैं कहां पे, अरे हम कहां पे हैं बोलो, इंदरवा में, कहां पहुंच रहा है तैबा में। सुनो ये सपने की है बात,
कि तैबा पहुंचा था कल रात के निंदिया टूट गई, के निंदिया टूट गई, के निंदिया टूट गई। कि सुनो ये सपने की है बात, कि तैबा पहुंचा था कल रात के निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई। कि कल रात मैं एक सपना देखा, अब देखिए वो सपना क्या देख रहा है। कि कल रात मैं एक सपना देखा, सपने में हंसी रोजा देखा, रोजे पे सुनहरी चादर थी, जिसके रुपहरी झालर थी, के जिसे के जिसे देख के दिल उठा छू, कि सोचा मैं लुआ दब से छू, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई। घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, इंशाल्लाह वही होगा जो अल्लाह का फैसला हो चुका है, होगा कि नहीं होगा। कि फिर देखी छाओ खजूरों जैसे हो कतारे हूरों की, फिर देखी छाओ खजूरों की जैसे हो कतारे हूरों की। कुछ लोग वहां पर बैठे थे अल्लाह की इबादत करते थे, कुरान की तिलावत करते थे, मेरा कि मेरा जाग उठा अरमान, कि सोचा मैं भी पढूं कुरान, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई। बुजुर्गों दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए, सब आमीन बोलिए। अल्लाह हमारी जान और माल को सलामत रखे, आमीन बोलिए। अल्लाह ताला सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आइए जरा आपके अंदर इतनी बातों को जान जाने के बाद और सुन लेने के बाद ईमान की ताजगी को जरा चेकअप किया जाए, ईमान कहां तक आया इसकी चेकअप की जाए, कि अल्लाह ताला हम सबको कहां तक पहुंचाया है। हजरत उमर फारूक का जमाना है, गौर से सुनिएगा मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के नबी का जमाना खत्म हो चुका है, उमर फारूक का जमाना चल रहा है। हजरत उमर फारूक रास्ते से जा रहे थे, आपने देखा एक बकरी का चरवाहा बकरी चरा रहा है, आप जाकर कहते हैं ए बकरी का चरवाहा एक बकरी तुम मुझसे बेच दो, तुमको मैं पैसा दे दूंगा, आज सर से लेकर पसीना तुम्हारे पैर तक मैं देख रहा हूँ, अगर बकरी बेच दोगे तो कुछ तुम्हें राहत मिल जाएगी। कहा ठीक है, लेकिन सुनो मुझे बकरी चराने का पैसा मिलता है, बकरी बेचने का पैसा नहीं मिलता। किसने कहा? बकरी चराने वाले ने कहा कि मैं बकरी का सौदा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी ड्यूटी बकरी चराने की है, बकरी बेचने की ड्यूटी नहीं है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि ऐ बकरी का चरवाहा, अगर बकरी का सौदा करते हो पैसे तेरे पॉकेट में जाएंगे, यहाँ पर तेरा मालिक नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं और तुम हो, मेरे और तेरे अलावा कोई नहीं है। वो बकरी का चरवाहा कहता है सुनो सुनो सुनो, मेरा मालिक रहे ना रहे, मेरा खालिक तो देख रहा है, मेरा मालिक तो देख रहा है, जिसने मुझे और तुझे पैदा किया वो रब्बुल आलमीन तो देख रहा है कि मेरे और तेरे दरमियान ये सौदा गलत हो रहा है। जब वो चरवाहा इस बात को कहा तो अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा कि ऐ बकरी का चरवाहा, मैं तो तेरे ईमान की चेकअप कर रहा था, कहो सुभान अल्लाह, मैं तो तेरे ईमान की चेकअप कर रहा था, मैं अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, मैं सैयदना उमर फारूक हूँ, मैं तेरे ईमान की चेकअप कर रहा था कि तेरा ईमान कहाँ तक जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, आज तुम्हारे ईमान की चेकअप के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि जब तक तू जैसा इंसान इस धरती पर रहेगा, खुदा की कसम नबी की उम्मत कभी बर्बाद नहीं। गौर करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, स्टेज पर इत्मीनान नहीं है,
मजमा इत्मीनान में है, आप इत्मीनान में नहीं है, और जब स्टेज ही इत्मीनान में नहीं रहेगा तो कहने वाला भी इत्मीनान में नहीं होगा। आप थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे, बोलने वाला ज्यादा गड़बड़ कर देगा। थोड़ा सा इत्मीनान रखिए। थकता तो मैं हूँ, प्यासा मैं हूँ, परेशानी हमारे साथ है और आप सबको बेचैनी है। अल्लाह रहम फरमाए। क्या है, क्यों है, वो मैं नहीं जानता हूँ। थोड़ी देर आप एक और बात सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। इस पर इसी बात पर मैं जो मकसद आपको जाहिर करना चाहता हूँ, वो मकसद तक पहुँचने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला उसमें सबको कबूलियत से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दौरे नबी है, खंदक खोदी जा रही है और खंदक की खुदाई में एक सहाबी दौड़े दौड़े रसूल के पास आते हैं और आकर कहते हैं, ये अल्लाह के रसूल, मेरे पेट पर पत्थर लगा हुआ है, भूख से मैं तड़प रहा हूँ, प्यास की शिद्दत है, मुझसे काम नहीं हो रहा है। ए अल्लाह के रसूल, अगर आप खाना दे देते तो मैं खाना खा लेता, पानी दे देते तो मैं पी लेता। रसूलुल्लाह ने जब देखा कि मेरे सहाबी के पेट पर पत्थर है, आपने कहा, ए मेरे सहाबी, तुम्हारे पेट पर तो एक पत्थर है जो तुमने रसूलुल्लाह को दिखाया है, लेकिन ये रसूलुल्लाह किसको दिखाए, अपना हाल किससे बताए, किसको समझाए, किस सहाबी को अपने पास बुलाए। सुनो सुनो सुनो, ऐ सहाबी, तेरे पेट पर तो एक पत्थर है और भूख से तुम बर्दाश्त नहीं कर रहे हो, लेकिन रसूलुल्लाह जब दामन अपना उठाते हैं तो रसूलुल्लाह के पेट पर दो दो पत्थर लगे हुए थे, मगर रसूलुल्लाह ने किसी से नहीं बताया कि मामला क्या है। आपने जब देखा कि सहाबी के पेट पर एक पत्थर है तो रसूलुल्लाह के पेट पर दो दो पत्थर थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी, मैं तो इसलिए नहीं कह रहा था कि मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं, मैं किसके लिए जाकर कहूं कि मेरे पेट पर दो दो पत्थर हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नतीजा ये हुआ कि इस वाकया को जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह देख रहे थे कि रसूलुल्लाह के पेट पर दो दो पत्थर हैं। जब इतना सुनना था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दिखाया कि मेरे पेट पर दो दो पत्थर लगे हुए हैं, तो अल्लाह के नबी को देखकर हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह दौड़े दौड़े घर गए, अपनी बीवी से कहा कि सुनो सुनो, मैं रसूलुल्लाह के पेट पर दो दो पत्थर देखा हूँ, बहुत ज्यादा रसूलुल्लाह को भूख लगी है, घर में कुछ है कि नहीं है, अगर है तो बोलो, मैं रसूलुल्लाह को दावत देकर आना चाहता हूँ। इतना सुनना था, बीवी ने कहा कि सुनो, घर में सिर्फ आधा किलो जौ का आटा है, आधा किलो, इस बात को गौर से सुनिए, आधा किलो जौ का आटा है और एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, इसको ज़िबह कर दो और मैं रोटी बनाऊंगी, जाओ रसूलुल्लाह को दावत दे दो। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह जाते हैं और रसूलुल्लाह से कहते हैं, ये अल्लाह के रसूल, मेरे घर में आपकी दावत है। अल्लाहु अकबर, इतना सुनना था, ओ मरने मुजाहिद, जरा गौर से सुनो, इतना सुनना था, रसूलुल्लाह ने कहा, ओ मेरे सहाबा, इधर आ इधर आ, खुशखबरी है, खुशखबरी है, क्या बात है अल्लाह के रसूल, अरे आओ तो सही, आओ तो सही। जब सारे सहाबा आए, कहा, एक बात जानते हो, नहीं अल्लाह के रसूल, अरे जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह के घर में तमाम सहाबा की दावत है। दावत कई आदमी कर, चल गए लोग कई आदमी, हम अन्य घर जब लेके चले नहीं सर, अगर आ गए हम लोग भी लेकर चले गए अचानक दो चार मेहमान को, तो बीवी क्या कहती है, अच्छा कहती है ना, कि कुछ सुनाती है, कहती हम सजाइले लेकर चले गए घर में, पागल बाकी नहीं के पागल बुझाता कुछ कहती है ना, लेकिन देखिए वहां का मामला। अल्लाह हु अकबर, मर्द भी सहाबी, शौहर भी सहाबी, बीवी भी सहाबिया, ये जल्दी से जाते हैं और जाकर कहते हैं, सुनती हो, एक बात है, क्या
जैसे बताई थी वैसे मैं बोला था, रसूलुल्लाह से कहा था, लेकिन हमारे नबी ने सारा सहाबा की दावत कर दी है, अब क्या होगा? तुम तो कहती हो आधा किलो जौ का आटा है। कहा घबराओ नहीं है मेरे शौहर, घबराने की जरूरत नहीं है, देखिए बीवी की बात क्या है। वो बीवी कहती है, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह की बीवी कहती है, ए मेरे शौहर, हमारा काम था नबी की दावत करना और नबी का काम है तमाम सहाबा की दावत। नहीं है एक आधा किलो जौ के आटे में तमाम के तमाम सहाबा खाना खा लेते हैं और सबका पेट भर जाता है। बुजुर्गों, अगर वो थोड़ा सा दस्तरखान जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह वाला अगर हम अशरफुल उलूम के लिए बिछा देते हैं तो बताओ सही, अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझकर उस अशरफुल उलूम का पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? उसकी दीवार आवाज लगाएगी कि नहीं लगाएगी? उसमें पढ़ने वाले बच्चे दुआ देंगे कि नहीं देंगे? कल कयामत के मैदान में वो बच्चा कहेगा कि नहीं, हे अल्लाह, जिस इंसान को तू जहन्नम में डाल रहा है इसी के खैरात से पढ़कर तेरे कुरान की मैंने हिफाजत की है, तो अल्लाह उसके बरकत से आपको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डालेगा। और एक बूढ़ा इंसान इस उम्र में मदरसा के लिए चराग जलाया है, मेरे दोस्तों उस चराग में तेल डालने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे, या बुझाने का काम करेंगे? जब जब ये मदरसे का चराग जलेगा हमारे घर में उसकी रोशनी पहुंचेगी इंशाअल्लाह। ये मैं नहीं कहता, सरकारे मदीना कहते हैं और रसूलुल्लाह ने जब चराग जलाया उस चराग की रोशनी सारी दुनिया को पहुंच रही है। कुरान जहां जहां गया है वहां वहां दीन फैला है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पढ़ता जा, जीना पर चढ़ता जा, जन्नत के रास्ता को पाता जा। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, में अगर 200 400 रुपया डाल देते हैं तो यही पूंजी हमारी है, यही पूंजी, ये पूंजी हमारी है। और अगर हमने नहीं डाला और इस रुपये को बैंक बैलेंस कर दिया, इस रुपये को किसी हवेली में डाल दिया, हम तो चले जाएंगे लेकिन ये पैसा काम नहीं आएगा। इसलिए कि जब हम सही रास्ते पर खर्च करेंगे तो ये पैसा बोलेगा इंशाअल्लाह। जिस तरह जहन्नम से अल्लाह कहेगा, ए जहन्नम, तेरा पेट भरा या नहीं भरा? वो जहन्नम कहेगा, ए अल्लाह, अगर है तो और डाल दे। उसके पास जबान नहीं है लेकिन बोलेगा। उसी तरह ये राम में रखी हुई रकम इंशाअल्लाह बोल कर दिखाएगी कि अल्लाह, अशरफुल उलूम के पेट को इन दरवा के जलसा वालों ने भरा है, ए अल्लाह, इसके तुफैल में जन्नत अता। इंशाअल्लाह उसमें हमारा हिस्सा का लगना और अल्लाह ताला का कबूल करना। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब तक आपने जो सुना है अब उसकी जरूरत आ चुकी है। अल्लाह ताला ने मौका अता फरमाया है, माँ बहनों को मौका दिया है, इसलिए माँ बहनें इतनी तादाद में आती हैं। एक तरफ से माँ और बहने की बहन बहने हैं और एक तरफ आप हैं। अगर आप अल्लाह के रास्ते में आज निकाल देते हैं इंशाअल्लाह, जहां मैं बैठा था मैंने पूछा कि इसमें तो पानी नहीं गिरता होगा, तो एक कारी साहब कहते हैं ऐसा गिरता है जैसे लगता है नाला खोल दिया गया है। अल्लाह, उस मदरसे की हिफाजत की जिम्मेदारी है कि नहीं है? अरे बोलो हाथ उठाकर, है कि नहीं है? है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसको बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, उसको चलाने की जिम्मेदारी हमारी है। और मैं बोलते बोलते थोड़ा सख्त बोल देता हूँ, एक जगह बोल दिया था तो एक साहब कहे कि मौलाना साहब को दावत दो सुबह हमारे यहाँ नाश्ता करें। अब सुबह में जब गए नाश्ता करने तो अकेले में बुला कर कहते हैं मौलाना, वो बात वही कहे किसे बोलो, कहता रातु हमरा बारे में कोई कह दिले बका तहरा से, हम को निका हम तो ना समझ। अत जितना रात तकरीर भइल बा बुझात रहे सब हमरे पर भइल, वही से हमरा बुझा ल कोई तोरा समझा दे बका के खाली हमरे पर
ना, अगर ये आपके अंदर है तो अल्लाह से तौबा कीजिए, हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा है। और क्यों कहेगा, सब भाई भाई हैं, सब दोस्त दोस्त हैं, सब यार यार हैं, तो हमसे क्यों कोई कुछ कहेगा। अगर ये आप समझ रहे हैं इसका मतलब आपके अंदर वो बीमारियां हैं, इसलिए अल्लाह के दरबार में जाकर के माफी मांगिए। अल्लाह तौबा का दरवाजा खोल के रखा है, वो माफ करने वाला है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये मदरसा वाकई बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। अभी तीन पैर पर खड़ा है, लंगड़ा है, इसमें थोड़ी सी रूह डाल दिया जाए तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आज हम तंदुरुस्त हैं। अल्लाह जब तक हमारी जान में जान रखेगा इंशाल्लाह इसकी बरकत से तंदुरुस्त रखेगा इंशाल्लाह। अब कौन ऐसा आदमी है जो सबसे पहले जो चलता है अपनी जगह से और ले लेता है इसमें नाम, जितनी तेजी के साथ वो चलता है नेक के लिए कदम उठाता है, अल्लाह उसकी कदम की रफ्तार के तबार से नेकी देता है। इसलिए मेरे दोस्तों बिस्मिल्लाह करो, इस मदरसा के लिए चार चांद लगाओ, आओ हमारे पास और सबसे पहले अपना नाम पेश करो कि इंशाअल्लाह रहमान आज मैं इतना दे रहा हूँ, कल इससे ज्यादा दूंगा, अल्लाह ताला हमारे देने को कबूल करेगा। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमें खड़ा होना पड़ेगा इसकी इज्जत वकार को बचाने के लिए, मदरसा को चार चांद लगाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए सबसे पहला नौजवान शहीद साहब का लड़का शफी आलम, पहले तो दुआ दीजिए अल्लाह इनकी जवानी को सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन, सब बोलो आमीन आमीन सुम्मा आमीन। देखिए इन्होंने 10,000 रुपया इस मदरसा को दिया है, लिखिए इसको 10,000 रुपया शहीद साहब के लड़के शफी आलम ने दिया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये मामूली बात नहीं है, तो अल्लाह ताला देखिए कितनी कदर देता है। इन्होंने दिया 10,000 रुपया इस मदरसे को, अल्लाह कबूल फरमाए। अभी मत लो, पहले यहां से बरकत ले लो तब हमें डली लो, ना तो बरकत ऊपर ऊपर भाग जाएगी। अरे माशाल्लाह, रुखसाना आज देखे ना, शुरुआत ही में रुखसाना का आ गया, कैसे कैसे खुलता है नजराना। ए भाई काहे तेला वेला वही घर से होता, तेरी भाला नीमन से बोले देवे के नहीं खेलो चाह बुझा तो चिउटी काटत है लोग। अरे अस्थिर बैठे के चाहे कोई माइक के नोने पर तक कोई आवाज लगा देता, माइक के तो ठीक चलता, हम माइक वाले को दोष देता नहीं हूं, हमरा लोग ठीक बने, जहां जहां जाए वहां वहां जगह संग संग। अच्छा माइक चला रहा है बेचारा, अब आप लोग तेला मेला कर रहे हैं। देखिए छेड़छाड़ मत कीजिए, अब मैं काम कर रहा हूँ, काम करने दीजिए आप लोग। 1,000 रुखसाना का आया है, ये बीमार चल रही है, ये रुखसाना बीमार है, दुआ कर दीजिए। अल्लाह, मैं दिल से दुआ देता हूँ, आप भी दिल से दुआ दे दीजिए। ए अल्लाह रुखसाना की मुकम्मल सेहत अता फरमा, ए अल्लाह उसकी जान में तंदुरुस्ती अता फरमा, ए अल्लाह रुखसाना की हर बीमारी को शिफा में बदल दे। 1,000 रुपया रुखसाना का अल्लाह फरमाए, जजाक अल्लाह। मोहम्मदपुर के फरियाद आला, एनो मोहम्मदपुर बाबा मोहम्मद फरियाद आला, हमरा बुझल मोहम्मदपुर हमरा ओर के बाबा जाटवा जनरल वाला के मोहम्मदपुर बाबा। मोहम्मद फरियाद आलम है, 500 रुपया इन्होंने इस मदरसा को दिया। ए अल्लाह फरियाद की जवानी को सलामत रखना, ए अल्लाह इनको मुकम्मल तंदुरुस्ती अता फरमाना। 500 रुपया माशाल्लाह। लाल बाबू अंसारी इन्होंने 100 रुपया इस मदरसे को दिया, अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए। कुछ लोगों ने मुझे इनाम में पैसा दिया, इसी में बरकत डाल रहा हूँ, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। आते रहिए, थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाइए, मैं एक बहुत
अनोखी बात बोला हो कि जो आप जमा कर देंगे वो आपका है, जो आप जमा नहीं करेंगे वो आपका नहीं है, ये काम देने वाली रकम है। इंशाल्लाह ये रकम बोलेगी और जन्नत में ले जाएगी इंशाल्लाह। और कौन आदमी है जो आता है सबसे पहले? 10,000 शहीद साहब के लड़का ने दिया है, कोई ऐसा अल्लाह का बंदा जो जोड़ा लगा दे? अल्लाह दुनिया में हर चीज की जोड़ी लगाई है। खेत बनाई तो खलियान बनाया, सूरज दिया तो चांद दिया, जमीन बनाई आसमान बनाया, रोशनी दी तारीकी दी, हर चीज की जोड़ी अल्लाह ने दी, बीमारी दी तंदुरुस्ती दी, जवानी दी बुढ़ापा दिया। लेकिन सब कुछ देने के बाद जब जन्नती जन्नत में जाएगा तो वहाँ दोनों नहीं मिलेंगे, वहाँ एक ही मिलेगा। क्या? तंदुरुस्ती मिलेगी जवानी, तंदुरुस्ती मिलेगी बीमारी जन्नत में नहीं मिलेगी, जवानी मिलेगी बुढ़ापा जन्नत में नहीं मिलेगा, आराम मिलेगा तकलीफ नहीं मिलेगी। तो देखिए अच्छा काम करने से कितना फल मिला। आते जाइए, थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाइए, इसलिए कि बहुत बड़े मुकर्रर अभी चतुर्वेदी हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब चतुर्वेदी सीतामढ़ी से चलकर आए हैं। आपने तो ऐसा ऐसा अनमोल मुकर्रर को बुलाया है, कसम खुदा की एक तारीख रची जाएगी इस जलसे के लिए। आ जाइए जल्दी जल्दी आ जाइए, अल्लाह का काम है, नबियों वाला काम है, ये बड़ा टफ काम है। अगर हम इस काम में हिस्सा ले लेंगे तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हमारी आखिरत संवर जाएगी। अल्लाह ताला हमारी जान माल को कबूल फरमाए, हमारी माँ और बहनें भी जल्दी जल्दी हिस्सा ले ले, अपने जेवरात से, अपने नाक के किल से, अपने पैर के पाजेब से, नाक की नथिया से, ये हमारी माँ और बहनें खूब अल्लाह के रास्ते में देती हैं। अल्लाह ताला इन सबके देने को कबूल फरमाए। और आज हम लोगों की जरूरत है मेरे दोस्तों, आज जब हम लोग अल्लाह के रास्ते में लगा देंगे तो इंशाल्लाह ये हमारी जरूरत अल्लाह कामयाब करेगा माशाल्लाह। ये 100 रुपया हमारी बहन की तरफ से आया है, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, जान माल में बरकत अता फरमाए। ये बार बार मौका नहीं मिलता है, ये थोड़ा सा मौका है, अल्लाह ताला इसको कबूल करने वाला है माशाल्लाह। जल्दी जल्दी आ जाइए, उठ करके आ जाइए, चल कर आइए, नकद है तो नकद दे दीजिए और नहीं है तो लिखा दीजिए, इंशाल्लाह आप लिखाएंगे और अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाएगा। नेकी जब इंसान इरादा में डाल देता है, अल्लाह ताला उस इरादे को कबूल फरमाता है। आज जल्दी जल्दी आ जाइए, 2,000, 4,000, 5,000, 200 देने में दरेर मत कीजिए, ये अल्लाह के यहाँ बहुत प्यारा है माशाल्लाह। को लिखिए 15,000 रुपया, अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला अंसारुल हक साहब को सलामत रखे, अल्लाह इनकी तंदुरुस्ती अता फरमाए। वली मोहम्मद साहब 100 रुपया इन्होंने दिया, अल्लाह कबूल फरमाए, जजाकल्लाह माशाल्लाह। 15,000 रुपया आ गया, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। अल्लाह ताला यही पसंद करता है, ये देने को पसंद करता है। आज हम दुनिया के अंदर गलत जगह पर बहुत खर्चा कर देते हैं, 40,000, 50,000 का एक आदमी गलत जगह पर खर्च कर रहा है। अयूब साहब महदेवा 1,000 रुपया नेपाली माशाल्लाह। अरे ये तो 1,000 आया है, बॉर्डर खुला रहता तो न जाने कोई 1,000 आ रहा था। लेकिन अफसोस है कि कल इलेक्शन है, वहाँ वहाँ के लोग बहुत कम आए हैं। 1,000 रुपया नेपाली अल्लाह कबूल आमीन। माशाल्लाह। सूगा, सूगा नाम के इंदरवा बिल्दार का रहने वाला ये बच्चा, ये 500 रुपया ला करके दिया। दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला इसको कबूल करे, अल्लाह इसकी जवानी को सलामत रखे, अल्लाह ताला खूब खूब इसको पढ़ाई में बरकत अता। आमीन। मोहम्मद मुश्ताक
700 रुपया मोहम्मद मुश्ताक साहब ने 700 रुपया दिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह इनके घर में बरकत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह इनके वालिदैन में बरकत अता फरमाए। आमीन। माशाल्लाह, देखिए अब हमारे चारों तरफ से लोग आना शुरू हो गए। माशाल्लाह, थोड़ा सा इधर कोई आ जाइए, ले लीजिए और रास्ता खाली करा दो। हाँ, थोड़ा सा और पीछे खसका दीजिए। दोनों तरफ माँ बहने बैठी हुई। सबीला खातून 200 रुपया। ये देखिए हमारी माँ सबीला खातून 200 रुपया इस मदरसा को दे रही है। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला इनकी उम्र में आमीन। हदीसा खातून 100 रुपया। हदीसा खातून अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। माशाल्लाह, ये देखिए गुमनाम में अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जजाक अल्लाह। माशाल्लाह। आमीन। मिरासुन नेसा 200 रुपया। अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। मिरासुन नेसा 200 रुपया। युमादीन मिया 200 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। 100 रुपया एक छोटी बच्ची लेकर के आई। माशाल्लाह। फिर 100 रुपया और एक आदमी ने दिया। सुम्मा आमीन। माशाल्लाह। दानिश बाबू गोद का बच्चा है, देखिए 150 रुपया लाकर दिया। माशाल्लाह। ये 100 इंडियन है और फिर 150 रुपए नेपाली है। माशाल्लाह। शकील अख्तर बेलदरवा के रहने वाले 500 रुपया इन्होंने दिया। अल्लाह जान बरकत अता। आमीन आमीन। कारी सोहराब अंजुम अदापुरी अपने दादा और दादी की तरफ से 1000 रुपया। माशाल्लाह। अब देखिए स्टेज से भी आना शुरू हो गया। अब जानते हैं जितने पेरिएगा उतने तेल निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? जी जी जी। देखिए अब स्टेज से कारी सोहराब अंजुम अदापुरी ने सबसे पहले ये इस काम को किया। अपनी दादी और अपने दादा की तरफ से 1000 रुपया इन्होंने दिया। अल्लाह कबूल। आमीन सुम्मा आमीन। मोहम्मद अली लाला छपरा के रहने वाले 200 रुपया। आमीन। एक बच्चे के तरफ से 100। इमरान आलम इंदरवा के रहने वाले 100 रुपया। हलीमा खातून इंदरवा। एगो हलीमा पश्चिम जी 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 इरशाद है, इरशाद है। आई हलीमा ऊंटिन लेकर कैसे घर को जाओगी, कैसे घर को जाओगी। दाई हलीमा मक्का में जब बच्चा लेने आई, बच्चा लेने आई, जब बच्चा मिला तो दिल की कली मुरझाई, दिल की कली मुरझाई। बोली हलीमा, हमना बीबी बोली हलीमा, अरे ललना मो अलन भोरे भोर बीजी, अलन भोरे भोर। 500 हलीमा ने दिया है। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब्दुल रहीम लाला छपरा के रहने वाले 500 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुर्तिया के रियाज अहमद 500 रुपया। अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जैसे हमरा लगे 500 आवे पट से कन उठ के 500 वाली लिखवा दे। लेट करे में बड़ा बेबरकत बा। देखत रहलो के 500 देता पट से एगो 500 आई लेके चलाओ, 500 हमरो हो जाए। ये देखे लाला छापर के रहने वाले 500 रुपए इन्होंने दिया। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह। आइए जल्दी जल्दी आइए।
जहरीना खातून 100 नेपाली है और 40 रुपए इंडिया। रेहाना खातून 100 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए, जजाक अल्लाह। एक गोद का बच्चा 100 रुपया दिया, अल्लाह ताला इस बच्चे को सलामत, आमीन सुम्मा आमीन। मोहम्मद किताब अली सिताब, मोहम्मद सिताब अली 100 रुपया, मुर्दिया के रहने वाले, माशाल्लाह। माशाल्लाह, एकरे के तक खोजत रहनी हम, जी जी, अबे मिलन, माशाल्लाह। 100 रुपया ये हमारी मां ने दी और एक लॉकेट भी दी है, माशाल्लाह। देखिए गले का सिंघार है ये, गले का बोलो क्या है, गले का सिंघार है, लेकिन अल्लाह के दरबार में जाना है तो गले का सिंघार कोई काम नहीं देगा। अब ये देगा कहां, इस टोकरी में जब रखेंगे तो अब ये माँ के लिए ये सिंगार काम आएगा। आज नहीं, जब अल्लाह कहेगा कहाँ है तेरा अमल, तो ये बताएगी नरवा मदरसा में है। तो देखिए माशाल्लाह, सबसे पहला ये आया है, चांदी की सिकड़ी आई है, इसको शायद की लॉकेट कहते हैं। हमारी माँ पहली बार आगाज की है, अल्लाह ए अल्लाह इससे बेहतर हमारी माँ को पहना दे, आमीन सुम्मा आमीन। बड़े अरमान के बाद ये पहला जेवर आया है, ए अल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि जिसने दी है ए अल्लाह इससे बेहतर से बेहतर पहना दे उसको, कि दे भी दे और फिर अल्लाह दिला भी दे, आमीन सुम्मा दे और अल्लाह दिला भी दे। ये चांदी का ये सामान है और माँ की तरफ से, मैं लटकाता हूँ कि इसका डबल कहीं आ जाए, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं, इसका डबल आएगा तब रखा जाएगा, माशाल्लाह। सहीमा खातून इनरवा के रहने वाली, ये 500 रुपया दे, आमीन सुम्मा आमीन। 200 रुपया एक और हमारी बहन की तरफ से आया, आमीन सुम्मा आमीन। सैयबुन नेसा की तरफ से 100 रुपया आया, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाक अल्लाह। अंबिया खातून 100, आमीन सुम्मा आमीन। और 200 नेपाली, माशाल्लाह। नजीर आलम इंदरवा के रहने वाले, ये बहुत से पैसे हैं, अल्लाह कबूल, आमीन सुम्मा आमीन। ये गुमनाम आ गया, नाम नहीं चाहिए काम चाहिए, माशाल्लाह। 400 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए, फिर 200 रुपया इस इदारा को आया, अल्लाह जानवर में बरकत दे। राजा बाबू 100 रुपया, माशाल्लाह। मुबीना खातून आदापुर के रहने वाली 100 रुपया, आमीन सुम्मा आमीन। अजमुन नेसा 200 रुपया, आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरह आते रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। 200-300 रुपया नेक बानी, 300 रुपया लाला छपरा के रहने वाली नेक बानी, माशाल्लाह। महफूजा खातून बेलदरवा, नेपाली इंडियन दोनों है, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शौकत अली बेलदरवा के रहने वाले, माशाल्लाह, 300 रुपया, आमीन सुम्मा आमीन। जजाक अल्लाह। नस्ताइना खातून ये तो ही उन पर घर बाटे, 100 रुपया, आमीन सुम्मा आमीन। अब तू ये तो ही घर बाटे, हमरो ये तो ही कहे के पड़ता है, 100 रुपया जुबैर आलम, आमीन सुम्मा आमीन। हाय दूसरों के, माशाल्लाह। और ये शाहिद 500, 100 रुपया, 100 और आया, माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। देर आए दुरुस्त आए, बड़ा लेट से आए, मैंने सोने के, जी 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 जी, लेट से तो आई हो,
मगर सोने के आज पर नाक के कील। दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला इससे बेहतर पहनाए हमारी बहन। आमीन सुम्मा आमीन। सोने का कील भेजी है, थोड़ा सा भी दिल में नहीं रखी कि नाक खाली होता, काहे अल्लाह पहना देने से निमन जन्नत में काफी रखते। माशाल्लाह नाजिया 100 रुपया। आमीन सुम्मा आमीन। सोना वाला तू रखो। लाई लाई जल्दी जल्दी आइए। माशाल्लाह रोबीना बिल दरवा के रहने वाली 500 रुपया। माशाल्लाह रक्सौल से आई हुई हमारी माँ की तरफ से 200 रुपया है। आमीन सुम्मा आमीन। कबूल फरमाए जज़ाकअल्लाह। नसीमा खातून इनरवा बिलदार 100 रुपया। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हल्ला कबूल फरमाए जज़ाकअल्लाह। उमरा खातून छौड़ा दानों के रहने वाली 500 रुपया इस मदरसे से दी। माशाल्लाह ताहिर हुसैन मुर्तिया के रहने वाले बहुत पैसे हैं माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए जज़ाकअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। कोदरकट क्या नाम है नजमा खातून कोदरकट 100 रुपया। ए बेटा क्या नाम साजिद तू कहां बैठे हो बड़े कहां बैठे हो लेके आओ जल्दी 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 आओ एक सेकंड का नाम सफीना खातून माशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। 100 रुपया सफीना खातून माशाल्लाह। लड़ टूट गई भोजपुरी में बाकी लड़ना टूटे के चाहिए सब लगातार आइए। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लीजिए खर्चा जमुन भार रसीद अंसारी 100 रुपया। अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। के धरती चरणवा बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मजमा बोलो सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। उठाकर बोलो सुभान सुभान अल्लाह। के धरती चरणवा चूमे चूमे संसार शेर काम और खत्म हो गया। जी 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 200 रुपया हमारी माँ की तरफ से 200। कहाँ की है ये थोड़ा सहन से आई है स्टेशन स्टेशन से 200 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। लालमुन नेसा 100 रुपया। आमीन सुम्मा आमीन। शरबुन नेसा 40 रुपया। आमीन सुम्मा आमीन। के धरती चाहे अभी खत्म नहीं कर पा रहे थे। माशाल्लाह कर सब्जियां वो जल्दी मुर्तुजा खातून 100 रुपया। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह के धरती चरणवा चूमे चूमे संसार हो धरती चरणवा चूमे चूमे संसार हो रहमत के लागल रहमत के बरसे लागल और माशाल्लाह। एमडी एजाज अली 500 रुपया। माशाल्लाह मुर्तजा खातून सेटौरा सेटौरा के रहने वाले मुर्तजा खातून रहने वाली 100 रुपया। माशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। बेलवतिया सुगौली देखो तो बड़ा दूर से आल बड़ी बेलवतिया सुगौली के पास में बेलवतिया वहां से हमारी माँ बहने आई है 200 रुपया आया। माशाल्लाह हाय देखो इमरान बाबू बेलदरवा के रहे वाला सोठ बार सही बात गिलट नहीं हम वे तक निमन के खोजते बनी हो बहुत अच्छा खाना बना देखा रिजवान अल्लाह तू इतना निमन सामान देले बड़ा ना अल्लाह बड़ा खुश है का है तू बना कर लो अल्लाह के पसंद नहीं खे ये तो मेरा रुक चीज है देखो बहुत अच्छा अच्छा अल दुआ करते हैं दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खूब निमन दुल्हन तोहरा के दे। आमीन सुम्मा आमीन।
आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत खुशी की बात है माशाल्लाह। इसको रखिए। हिफ्ज़ुल्लाह इंदरवा के रहने वाले 500 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह मेरी मां बहन पर जल्दी आ जाइए माशाल्लाह। आप ही से काम लेना है, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। हमारी मां बहन इधर फील्ड में भी बहुत बैठी हुई है। मैंने इन पर नजर गई जब मैं आ रहा था, बहुत ज्यादा तादाद में मां बहन इधर बैठी है फील्ड में। मैं अगर दिन में आया होता तो मां बहनों के यहाँ संसद बैठाता और नौजवानों को और मर्दों को मैं इधर बैठा था। साइड साइड में मां बहनों को कर दिया गया है, कुछ उधर फील्ड में है कुछ इधर फील्ड में है। और मेरी नजर है यहाँ से इधर बैठाया जाता और यहाँ से यहाँ मर्दों को बैठाया जाता। जी, जी, थोड़ी सी दूरी हो गई है मेरी आवाज और प्रोजेक्ट पर्दा लगा हुआ है, मां बहनें देख रही हैं। वो जल्दी जल्दी थोड़ा सा भेज दीजिए माशाल्लाह। पकड़ना कारी साहब लेट का सबीला नेसा 100 रुपया माशाल्लाह। सबीला नेसा का 100 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शाबान अली सलमान सलमान अली 200 रुपया देके छोटा सा बच्चा था, कितना बचाया। उधर झुलुआ भी था, उधर मिठाई भी थी, उधर देखा खेल खिलौना भी था। सबसे बचाते बचाते 200 रुपया मदरसा में भी दे दिया। ये कमाई बड़ा होशियार लड़का है, देख लीजिए माशाल्लाह। ये 600 रुपया माशाल्लाह। मास्टर मोहम्मद यूसुफ साहब ऊंची भी मदरिस मदरसा इस्लामिया आदापुर 600 रुपया उन्होंने इस मदरसा को दिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मास्टर मोहम्मद यूसुफ साहब की लंबी उम्र अता। आमीन सुम्मा आमीन। खूब खूब सेहत से नवाज। आमीन सुम्मा आमीन। उमरा खातून गाद गमरिया, गाद गमरिया तो सोनिया लगे बाबू। उमरा खातून गाद गमरिया 500 रुपया। आमीन सुम्मा आमीन। मैं बरकत देता हूं। फतेजा खातून नरवा के रहने वाली माशाल्लाह 150 रुपया है। आमीन सुम्मा आमीन। फातिमा माशाल्लाह। अरे भाई बड़ी जी जी इरशाद इरशाद। हुजूर साहब की बेटी का नाम फातिमा सबसे छोटी बेटी थी ना। अरे बोलो सबसे छोटी बेटी का नाम क्या है। फातिमा। सब हाथ में बता दो। फातिमा माशाल्लाह। कहता है हाथ से चलाती चकरिया। हाथ से खुदे चकरिया हो, पानी भर भर के लाती कगरिया हो। साबरा की चलो जी हुनर दे, चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। फातिमा के नाम पर इतना रुपया माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा हुजूर के कोई लगता है जोड़ा लग गया। हुजूर के कोई को बेटी हाथ उठा के बेटे बोलो। चा 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 मैं तो 80% रुक के था नहीं। याद करा देते नहीं याद कर लो लोग। हुजूर के चार को बेटी, कोई को बेटी चार। अब नानू बोले बोलो। हुजूर के कोई को बेटी चार। सबसे छोटी बेटी फातिमा का नाम आ गया और सबसे बड़ी बेटी ज़ैनब का नाम नहीं आया। अब माँ बहनों बहने बहुत आई है, एक ज़ैनब के नाम से माँ बहने भेजो। माशाल्लाह। बड़ा देर के बाद आए हैं मौलाना। कहनी है कि जब जोड़ा मिल जाए तो एक रखे हाथ आते हैं मौके आई है। अल्लाह कबूल फरमाए। सोगरा खातून। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह। नसीबुकारी नसीबुल हक साहब। खुशकिस्मत तो ये बार आ पूरा सोना चांदी के मालिक इन करके बना दे। जी जी ये देखिए माशाल्लाह। रुखसाना खातून बेलदरवा के रहने वाली अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सारी रकम है गिनना बड़ा मुश्किल हो गया। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकअल्लाह। मौलाना फैजुल हक साहब ऊंची दी अपनी माँ जमीला खातून के नाम पर 1000। इनकी माँ है जी है जी माशाल्लाह। देखिए मौलाना
मौलाना फैजुल हक साहब मोची जी अपनी माँ से प्यार देखिए, अपनी माँ से मोहब्बत देखिए। जी 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 माँ मौजूद है, 1000 रुपया अपनी माँ की तरफ से दे रहे हैं। अल्लाह इनकी माँ को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह इनकी माँ को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अरे माँ के चरणों में जन्नत है, सदर आलम से दुआ की जरूरत नहीं है, माँ के चरणों से जन्नत मिल जाएगी, माँ को खुश रखना, आमीन सुम्मा। मौलाना फैजुल हक साहब ने माँ की तरफ से 1000 दिया, अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। आ गया माशाल्लाह। अरे मैं बोला था जी जी की सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या बोला था, याद तो हो गया होगा आपको, क्या नाम बताया था? ज़ैनब। हजरत ज़ैनब का नाम लिया, 200 रुपया हमारी माँ बहनों ने ज़ैनब के नाम से 200 भेज दिया। तो ये बताइए फातिमा का भी आ गया, ज़ैनब का भी आ गया, ए मेरी माँ और बहनों दो नाम मत छोड़ना, इसलिए कि अब एक रुकैया बच गई है। कौन बची है? रुकैया। रुकैया बच गई है, अगर इसमें से कोई रुकैया हो, ए मेरी माँ और बहनों लाज रख ले, इसलिए कि रुकैया ये तीसरी बेटी हुजूर की। माशाल्लाह मशहूर मियां महदेवा के रहने वाले 150 सरफराज पिपरा 150 रुपया, छोटा सा बच्चा है माशाल्लाह। जफीर अहमद की बच्ची इंदरवा के रहने वाली माशाल्लाह रुखसाना खातून से है, जफीर भाई की बेटी, मेहनत कर बेटा ले लेके आओ तो जल्दी जल्दी जी बहुत बने बैठल बल हो रहे लेके आओ। मशहूर साहब 500 रुपया दे चुके हैं, मैं फिर दोबारा ऐलान कर रहा हूँ, मशहूर साहब का 500 रुपया इस टोकरी में जमा है, अल्लाह ताला मशहूर मियां को और मशहूर बना, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला मशहूर साहब खूब शोहरत से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ की शोहरत नहीं, वहाँ की शोहरत जी जी, यहाँ वाली शोहरत तो बेकार है, वहाँ वाली शोहरत अल्लाह ता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आलिम अली घर भेड़ियारवा, जी 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 200 रुपया माशाल्लाह। सुकट में ना दलो तन जफौ के ने बड़ तन आवत सुखारी मियां के 500 रुपया आ गई तो सुकट मियां के भी लेके आवे के। जी 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 माशाल्लाह, मेहनत कीजिए, देखिए 500 रुपया माशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। सुखारी मियां, सुखारी मियां 50 रुपया की 500 बा, अच्छा सुखारी मियां के 50 रुपया, अगर बड़ाई तो दोबारा करें तो फिर बोल दिया, ठीक है इंशाल्लाह। के थर बात छूट कर लो तो हम उठे फिर चल चल के धरती चरणवा चूमे संसार हो, धरती चरणवा चूमे संसार हो, रहमत के बरसे लागल हो रिमझिम फुहार, रहमत के बरसे लागल हो रिमझिम फुहार हो, रब के फरिश सातरल 70,000, रब के फरिश सातरल 70,000 हो, कम कम बदन गम के, गम गम बदन गम के हो चमके लीलार हो, गम गम बदन गम के हो चमके लीलार हो। तो क्या फायदा है, अरे रुकैया नहीं नहीं तुम तो हो ना, रुकैया बन जाओ, मान के चलो कि कोई तो रुकैया के नाम से भेज दे, ऐसा थोड़े रुकैया नहीं आई है तो रुकैया के नाम से नहीं आएगा, रुकैया के नाम से आना चाहिए, इसलिए कि निस्बत रसूलुल्लाह से मिली हुई है और हुजूर की तीसरी बेटी है। रुकैया नाम से मैं चाह रहा हूँ और एक शेर पढ़ता हूँ सुनिएगा, के मोहनी सूरतिया तो सुंदर व्यवहार हो, मोहनी सूरतिया तोहरी
सुंदर व्यवहार हो मक्का में पैदा भइलने हो मदनी सरकार हो जी जी माशाल्लाह ये देखिए रुकैया का दोनों ओर से रुकैये के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा नौजवान रुकैया के लिए भेज दिया इधर से हमारी बहन भी रुकैया के लिए भेज दी दोनों मिलकर 150 रुपए हुए आई शमीमा खातून 100 रुपए भेज दिए शमीमा खातून माशाल्लाह 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 अब एक नाम बच गया अल्लाह अकबर उम्मे कुलसूम जैनब का हो गया रुकैया का हो गया फातिमा का हो गया एक मेरी माँ और बहनों उम्मे कुलसूम का नाम बच रहा है उम्मे कुलसूम ये तीसरी बेटी है उम्मे कुलसूम के लिए एक आ जाओ उम्मे शबनम खातून 100 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए आमीन सुम्मा आमीन माशाल्लाह उम्मे कुलसूम माशाल्लाह के मोहनी सूरतानी गौसबानी 200 नेपाली है और 20 रुपया इंडियन है अल्लाह कबूल एक बच्ची दी है 110 गनी मियां 500 थोड़ा सा आन के रहने आमीन सुम्मा आमीन देखिए गमरिया से एक हिंदू औरत लाकर के 100 रुपया दी है वो देख रही है कि सही जगह पर चंदा हो रहा है जी जी सही जगह पर जा रहा है हमारे हिंदू भाई हिंदू भाइयों की बहन बेटी आई है वो भी 100 रुपया इस मदरसा को दान कर रही है अल्लाह कबूल फरमाए कबूल फरमाए जज़ाकअल्लाह इंदरवा परवेज आलम 500 रुपया आमीन सुम्मा आमीन नसीमा खातून का 100 रुपया अल्लाह कबूल आमीन सुम्मा आमीन रुकैया देखिए रुकैया का फिर आ गया उम्मे कुलसूम का नहीं आया उम्मे कुलसूम का लेना है इंशाल्लाह जी जी 100 रुपया रुकैया खातून आमीन सुम्मा आमीन सबरुल खातून घोड़ा साहा 100 रुपया आमीन सुम्मा कोई नाम नहीं है एक छोटी सी बच्ची ने दी है अल्लाह कबूल फरमाए जज़ाकअल्लाह आमीन सुम्मा आमीन मोहनी सूरत मोहनी सूरत या तोहरी सुंदर व्यवहार हो मोहनी सूरत या तोहरी सुंदर व्यवहार हो मक्का में पैदा भइलन हमरो सरकार माशाल्लाह माशाल्लाह इरशाद आलम एक बच्चा है 100 रुपया और सलमा खातून पिपरा के रहने वाली छावड़ा दाना के रहने वाली 500 रुपया आमीन सुम्मा आमीन मूर्तिया के इंतजार आलम एंगे 10-12 को लंबा लंबा चले तो काम नहीं कर ले जी जी देखिए 1000 मूर्तिया का लड़का 1000 रुपया ला करके दिया है अल्लाह कबूल फरमाए अब तो मैं नेपाल में आता हूँ तो अभी 1000 देखता हूँ हमारे यहाँ तो हजरिया अभी आया ही नहीं 500 रुपया है जी 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 1000 का तो अभी आया नहीं 2000 है 2000 1000 नहीं आया जी नहीं नेपाल में आते हैं तो 1000 नेपाली देख लेते हैं बात 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 माशाल्लाह ये देखिए 1000 मूर्तिया का रहने वाला लड़का ला करके दिया कि मोहनी सूरतिया तोहरी असुंदर साढ़े 500 रुपया आ गया और नाम नहीं आया माशाल्लाह इंदरवा मुश्ताक आलम माशाल्लाह माशाल्लाह
आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। आमीन सुम्मा आमीन। ये तो सब पर भारी पड़ गई। जी जी 500 रुपए लाई माशाल्लाह। उम्मे कुलसुम जी जी 500 रुपए अल्लाह कबूल। आमीन सुम्मा आमीन। सीमा खातून इंदरवा के रहने वाली 300 रुपए। आमीन सुम्मा आमीन। सजदा खातून सुरा छवड़ा दा सब धीरे धीरे यही मैंने भाई 500 रुपए आई 500 इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमा जदा आमीन सुम्मा मोहनी सूरत या तो है असुंदर व्यवहार हो मक्का में पैदा हो मदनी सरकार हो मक्का में सफीना खातून 100 रुपया अल्लाह कबूल फरमा आमीन सुम्मा आमीन। लाल बोलने से का तो मैं बोला हूँ फिर बोल देता हूँ माशाल्लाह। लाल बोलने से लाल बोलने से 500 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। मैं दोबारा बोल रहा हूँ लाल बोलने से 500 रुपया आमीन सुम्मा आमीन। आपदा खातून पुरैनिया के रहने वाली 200 रुपया आमीन सुम्मा आमीन। बरकत अता फरमा आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए जजाकल्लाह। बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारी माँ और बहने खूब अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं। तो नाम मैं भुला गया ए आजाद बाबा तू वो नहीं रहा अल्लाह के आवाज माशाल्लाह मुस्तकीमा 200 आमीन सुम्मा आमीन। उम्मे कुलसुम का दोबारा आया माशाल्लाह माशाल्लाह। उम्मे कुलसुम इरशाद राजपूत 100 रुपया उम्मे कुलसुम आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह नाम कुछ बतैला खोलो दिमाग से निकल गए माशाल्लाह। मरहूमा नमाजी मरहूम नमाजी खातून बेलवतिया के रहने वाली धनही धनही तो सुगोलिए में जी जी माशाल्लाह धनही सुगोली ये 500 रुपया दी है अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। रोहिना रोहिना खातून 100 रुपया छौड़ा दानों के रहने आमीन सुम्मा आमीन। नजमा खातून छौड़ा दाना माशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। रुकैया खातून इंदरवा 100 रुपया आमीन सुम्मा आमीन माशाल्लाह। हाय देखो जी जी सोचत रहते कि नाम कहां बाकी आवत रहे थे कौन नाम जान करो आयशा ये हुजूर की सबसे प्यारी औरत जी 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 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी औरत इसका नाम आयशा। आयशा से उमर ने मेरी माँ हजरत उमर फारूक ने कहा था हजरत आयशा से जी जी आयशा से उमर ने कहा मेरी माँ हाँ कहा मेरी कदमों में मुझको भी सो लेने दो याद आ गई मुझको रो लेने दो माशाल्लाह। आयशा अल्लाह कबूल फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। अरशद बाबू जगह कितना छोटा बच्चा है अल्लाह ताला इसकी तंदुरुस्ती अता फरमाए लंबी उम्र अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। अरमान आलम रहमान अच्छा 50 आमीन सुम्मा आमीन। बेनजीरा खातून इंदरवा 100 रुपया माशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए लाइट नहीं डूब रही जी जी
फातिमा का फिर आ गया 500 रुपया नया टोला। आमीन सुम्मा आमीन। 50 रुपया जाहिदा खातून 100 रुपया। आमीन सुम्मा आमीन। हब धबवा रहमान अली थब धबवा जी 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 और लाए हैं आजाद अली इंदरवा जी 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 माशाल्लाह। एक आयशा खातून मरहुमा अल्लाह इनकी कब्र को नूर से भर दे आमीन बोलिए आमीन। आयशा खातून मरहुमा 100 रुपया अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। आज देखिए रुबैदा खातून निंदरवा रुबैदा की बहन जुबैदा होती है इंशाल्लाह आप देखिए जुबैदा इसलिए कि रुबैदा का 500 आया है और जुबैदा जहां बैठी है 500 रुपए वो भेजेगी आमीन सुम्मा आमीन। देखिए अल्लाह ताला किस तरह से मदद करवा रहा है माशाल्लाह। उमर फारूक 100 रुपया अल्लाह जान माल में बरकत दे ये छोटा सा बच्चा आमीन सुम्मा आमीन अता फरमाए और इस बच्चे को अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। अंसारुल बाबू बेलदरवा अहद बाबू छोटा बच्चा है जेरे इलाज है इनकी तरफ से 500 रुपए है दुआ की दरखास्त है। मेरे दोस्तों अंसारुल बाबू बेलदरवा अहद बाबू ये छोटा बच्चा है ये जेरे इलाज है बीमार है इलाज हो रहा है दवा चल रही है अल्लाह ताला इस बच्चे को मुकम्मल सेहत अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। खूब खूब तंदुरुस्ती अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। डॉक्टर जिक्रुल्लाह भिड़ियारी के रहने वाले 100 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए जजाक आमीन सुम्मा आमीन। डॉक्टर जिक्रुल्लाह साहब भिड़ियारी के रहने वाले 100 रुपया ए अल्लाह। डॉक्टर साहब से आज दी बात है ऐसे कि कम से कम एक मरीज के फीस वो दे देते तो ठीक हो जी 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 कम से कम 500 जी 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 इंशाल्लाह आएंगे आएंगे आएंगे। डॉक्टर जिक्रुल्लाह साहब से मैं मांग रहा हूँ 400 रुपया और मांग रहा हूँ जी जी एक मरीज का फीस मांग रहा हूँ अल्लाह कबूल फरमाए जजाक अल्लाह आमीन। पहला डॉक्टर साहब का नाम आया है माशाल्लाह लालमुन नेसा इंदरवा 200 रुपया नकद है और एक सिकड़ी है फिर आया अल्लाह कबूल फरमाए जजाक अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। दोनों पहली बार आया है कि मैंने जेवर भी पैसा दिया जी 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 अभी तक नहीं आया था लेकिन ये दोनों भेज दिए अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह दोनों हाथ को कबूल फरमा और एक तरफ जेवर है एक तरफ पैसा है अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह अंबिया खातून इंदरवा 100 रुपया माशाल्लाह लाइए जल्दी जल्दी लाइए माशाल्लाह। बसरा खातून इंदरवा ये देखिए कान का फूल आ गया अभी तक ये फूल नहीं आया जी 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 लेकिन अल्लाह ताला ने फूल भेजा है अल्लाह ताला जिस बहन ने भेजा है अल्लाह उसके कान को इससे भी बेहतर से बेहतर अल्लाह ताला सजा दे आमीन बोलिए माशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। 50 रुपया अच्छा जेवर के साथ 50 बासरा खातून सबीला आजाद बाबू जो तू कहबा वो सही है जी जी ये जो तू नाम बतैलो वो ये लाग कौन से नाम का सबीला सबीला खातून 500 रुपया आमीन सुम्मा आमीन। पानी पियत रहो और मेहनत करो जी 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 माशाल्लाह। कितना दिल बड़ा 50 रुपया सरफराज बाबू छोटा बच्चा है अल्लाह ताला इसकी लंबी उम्र अता फरमाए सेहत के साथ 50 रुपए दिया अल्लाह कबूल फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। भाई तक कितना दुआ देने के पड़े शबनम पिपरा के रहने वाली 100 रुपए दादी मां 100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए जजाक अल्लाह।
रूबी खातून 50 रुपया, माशाल्लाह 50 रुपया एक और आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। रुबीना खातून इंदरवा 200 रुपया, माशाल्लाह। दुबहा से सैदा खातून मरहूमा, अल्लाह उसकी कब्र को नूर से भर दे, 100 रुपया, आमीन सुम्मा आमीन। मुराद अली इंदरवा 100 रुपया, आमीन सुम्मा आमीन। सकीला जाता रहो 100 रुपया, अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। शहीद मियां इंदरवा के रहने वाले, अल्लाह ताला सेहत के साथ आपको लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इन्हीं के नाम पर इनका लड़का 10,000 दिया था, आमीन सुम्मा आमीन। शफिया देखिए वाले साहब भी दिए 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अतीउल्लाह ये लड़का बीमार चल रहा है, ये अल्लाह पूरे मजमा अतीउल्लाह के लिए और जितने बीमार हैं सबके लिए पूरे मजमा की तरफ से दुआ है, ये अल्लाह गैब से ये अल्लाह सेहत कुल्ली अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। आसिफा खातून नरवा 100 रुपया, माशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। सरफराज आलम जमुना, जमुना भाग धबधबा, सरफराज आलम धबधबा 100 रुपया, आमीन सुम्मा आमीन। अफरोज आलम नरवा 50 नेपाली है, इंडियन 10 है, फिर इंडियन 10 है। एक शेर पढ़ी भाई, जी जी जी, इरशाद हो इरशाद हो, इरशाद हो। मैंने इलाज अपनी, मैंने इलाज अपनी नजर का करा लिया, मैंने इलाज अपनी नजर का करा लिया, आंखों की पुतलियों में मदीना करा लिया, आंखों की पुतलियों में मदीना माशाल्लाह। तबरेज मियां 50 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाक अल्लाह खैर, आमीन सुम्मा आमीन। आइए आइए थोड़ी सी और 5 मिनट के लिए और मेरी गुजारिश है आप हजरात से, थोड़ा थोड़ा और हिस्सा ले लीजिए, 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह दूसरा मुकर्रर आप तक पहुंचेगा, अल्लाह ताला हम सबके सुनने को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी माँ बहनों 5 मिनट में इंशाल्लाह इस काम को बंद किया जाएगा और फिर आगे बड़े बड़े उलमा के बयानात हैं उसको सुना जाएगा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, 100 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाइए जल्दी जल्दी आ जाइए माशाल्लाह, 5 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, जितना जल्द हो सके आप लोग इसमें हिस्सा ले लीजिए, 5 मिनट माशाल्लाह। जीनत खातून 100 रुपया, अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आ जाइए जल्दी जल्दी, बहुत अच्छा आप लोगों ने काम दिया है, साथ दिया है, अल्लाह ताला मदरसा सफुल उलूम को खूब तरक्की से मालामाल करे और मदरसीन में अल्लाह ताला अखलास और खूब खूब मेहनत का जज्बा अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आ जाइए, 5 मिनट से ज्यादा का वक्त अब नहीं लिया जाएगा इसलिए कि टाइम बहुत हो गया, अल्लाह ताला हम सब कबूल फरमाए। कायमा, कायमा खातून 200 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए, जजाक अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जुलेखा खातून, जी जी,
सुगौली शीतलपुर के रहने वाली 200 रुपया। आमीन सुम्मा आमीन। इस मोहम्मद मियां 100 रुपया माशाल्लाह। नेपाली दे दो अल्लाह जान माल में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। रोशनी खातून 100 रुपया। छोटी सी बच्ची देखी आई है, रोशनी बनकर आई है, रोशनी बनकर जा रही है। अल्लाह कबूल फरमाए। 100 रुपया छोटी सी बच्ची दी है, अल्लाह इसके देने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसकी तालीम में, इसकी सेहत में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हम सबको देने का, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का मौका अता फरमाया है। अल्लाह ताला इसके तुफैल में हमारे घराने में बरकत अता फरमाए, हमारी औलाद में बरकत अता फरमाए, और जिस मदरसे के खातिर आज हम लोग चंदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस मदरसे में खैर बरकत और अजर बद से हिफाजत फरमाए और खूब खूब मदरसा को तरक्की से नवाजे। अजहर हुसैन सिरसिया कला के रहने वाले, अपनी माँ और अपने अब्बू की तरफ से 500 रुपए इन्होंने दिया, अल्लाह कबूल। आमीन सुम्मा आमीन। फकरहिया के रहने वाले 100 रुपया माशाल्लाह। जैनुद्दीन साहब 500 रुपए। आमीन सुम्मा आमीन। आइमा खातून बेलदरवा के रहने वाली 100 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक मिनट और मैं वक्त ले रहा हूँ, 4 मिनट खत्म हो गया। एक मिनट में जो चाहे हिस्सा ले सकता है, जल्दी कर लीजिए इंशाअल्लाह रहमान। अब एक मिनट के बाद अल्लाह ताला अब आगे के बयानात का वक्त इंशाअल्लाह देगा, हम लोग सुनेंगे और बड़े बड़े उलमा के बयानात को हम समाप्त करेंगे। अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आ जाइए जल्दी से। एक शेर का इंतजार है मौला साहब, एक शेर का इंतजार है। जी जी, एक शेर पढ़ा जाए फिर लोग आएंगे। जी जी, पहले ना कहना चाहिए। देख सुन के खैरुन नेसा बेलदरवा के रहने वाले 100 रुपया। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकअल्लाह। आ जाइए जल्दी से, आ जाइए। टाइम जो दिया गया है इंशाल्लाह उससे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अल्लाह हम सबको सलामत रखे और जो हम दे रहे हैं अल्लाह उसको कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह। अंबरी खातून खोड़ा के रहने वाली अंबरी खातून की तरफ से 500 रुपया इस मदरसे को आया, अल्लाह ताला जान माल में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबके देने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बुजुर्गों, आप लोगों ने जितना दिया अल्लाह ताला सबके देने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा। और जो लोग नहीं दिए हैं उनके लिए भी इसी वक्त दुआ देता हूँ, नहीं तो साल भर के बाद जलसा होगा तो बासी छोड़ना ठीक नहीं। जी जी जी। सबके लिए अल्लाह, जो हिस्सा लिए हैं उनको भी और जो हिस्सा नहीं लिए हैं उनको भी अल्लाह अपने अमनो अमान में जगह अता फरमाए। आमीन। अल्लाह सबको तंदुरुस्त और उम्र से माला माल फरमाए। आमीन। अल्लाह जितने लोग हमारे बूढ़े लोग बैठे हैं अल्लाह इनको तंदुरुस्ती से माला माल फरमा। ए अल्लाह पाक परवरदिगार, जो कुछ हम बोले हैं अगर गलती हो गई है अल्लाह अपने फजल करम से माफ फरमा, और जो बोला हो ए अल्लाह अपने फजल करम से उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।
माशाल्लाह। ये थे जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब कासमी मुतज़िल्लुल आलम जो आप तक पहुंच रहे थे।